करनाची रेशा। अंजलि संग सेट की सैर। टीवी के सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना में कृषा का किरदार निभाने वाली अंजलि ततरारी ने आज सास बहू और बेटिया से ढेर सारी बातें की। असल में शो बहुत जल्द बंद होने वाला है और फिलहाल शो को मिल गया है 1 महीने का एक्सटेंशन। बस कुछ ही पल रह गए हैं जब कृषा बन अंजलि इस सेट पर शूटिंग करेगी, मेकअप रूम में मेकअप करेगी और अपनी फेवरेट जगह पर बनाएगी रील्स। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना के सेट पर, जहां पर हमारी मुलाकात हुई अंजलि ततरारी से। शो कुछ ही समय में बंद होने वाला है और ऐसे में अंजलि अभी से हो गई है इमोशनल। शो बंद होने से पहले अंजलि अपने मेकअप रूम की सैर करवा रही है, सेट पर घुमा रही है और कुछ आखिरी पल जी रही है। तो आइए सीधा चलते हैं अंजलि के पास। ओ गॉड, कृषा चतुर्वेदी, आई मीन एक कैरेक्टर जो इतना क्लोज है अब मेरे और यू नो निया के बाद सरगम अब एक कृषा। आई थिंक हम एक्टर्स के लिए एक एक कैरेक्टर जो हम साथ में लेके चलते हैं ना, इतनी इमोशनल जर्नी होती है और आई विल मिस एवरीथिंग ऑफ दिस रूम। वैसे अभी इतना रूम में कुछ रहा नहीं है क्योंकि हम लोगों को 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। माई रूम इज़ सो मेसी, डोंट जज मी प्लीज़। बट सुबह उठ के आना, यू नो स्टोरीज, जस्ट गेटिंग रेडी, कैमरे के सामने रहना, शूट करना, आई थिंक वो सब कुछ मिस करेंगे जब तक ऑब्वियसली दूसरा प्रोजेक्ट नहीं ले लेते। बट बहुत सारी मेमोरीज रही हैं, आई एम श्योर आप लोगों को कृषा बहुत पसंद आई क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो नए कैरेक्टर में मिलेंगे एवरी टाइम। एक तो पता नहीं जब भी आप लोग आते हो ना, कुछ ना कुछ ऐसा मीठा मेरे रूम में रहता ही है, तो मैं बोल भी नहीं सकती कि मैं डाइट पे हूँ। जरा थोड़ा सा मीठा हो ही जाए। एक्चुअली जयामा मेरे लिए आज ब्राउनी लेके आई, मुझे पता है कि मुझे ब्राउनी कितनी पसंद है। एक्चुअली फुल डब्बा था लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। ब्राउनी देखे और मैं ना खा पाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक ऐसा इंसान है, शी हैज नेवर टेस्टेड What cake ever in her life? छोटी चीजें क्या रह गई हैं? और ये आप देखेंगे मेरे गणपति जी जो हैं, सबसे बेस्ट चीज़ इसकी क्या है मैं बताती हूँ आपको। मेरे पहले शो से ये गणपति जी मेरे साथ ट्रैवल करते आए हैं, तो मेरे डैड की दुल्हन में भी मैंने अपने रूम में यही गणपति जी रखे थे, मेरे सेकेंड शो में भी यही गणपति जी थे और अभी मेरा ये थर्ड शो है और मेरे थर्ड शो में भी गणपति जी हैं। सुबह कभी कभी बत्ती जला लेती हूँ, लाइक आई हैव अगरबत्ती एंड ऑल इन दिस। और ये मेरा मनी प्लांट है, मतलब आई लव प्लांट्स लेकिन मैं इतने रख नहीं पाई हूँ, थोड़ा अच्छा हो गया है एक्चुअली। मैं थोड़ा छोटा लेके आई थी, इन 7-8 मंथ्स काफ़ी बढ़ गया है मनी प्लांट। और आई हैव दिस बैम्बू प्लांट, दिस वॉज सेंट बाय अ फैन, फैन ने भेजा था तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। ये एक्चुअली इसमें एक दूसरा प्लांट था जो ख़राब हो गया, मेरी हेयर ड्रेसर ने इसमें करी लीव्स लगा दी, बोल गया रूम में करी की स्मेल आएगी, बट इवन दिस इज़ गॉन। अगेन दिस वॉज सेंट टू मी बाय अ फैन, वो मेरा इनिशियल है ए, और ये सारा एक्चुअली फैंस के थ्रू ही जो आया था मैंने रूम में लगा दिया। ड्रीम कैचर्स, 2 टेडी बियर, ये सारे फैंस के भेजे हुए हैं, आई लव इट। तो कभी वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है रूम में आके यू नो बैठने का, बट कभी कभी इसे कंट्रोल करके सो जाती हूँ। खुद अंजलि कृषा को कितना मिस करने वाली है और कृषा की कौन सी ऐसी चीज़ जो रोज उसे याद आएगी? एक्चुअली कृषा का कैरेक्टर में मुझे इतना प्ले करने मिला है ना, लाइक इनिशियल डेज से, क्योंकि वो इतनी क्लमजी थी, ऑल ओवर द प्लेस थी। तो जैसे पहला बहुत सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर था मेरा क्योंकि मैं एक वरुण सर की मॉम प्ले कर रही थी, बिकॉज ही वॉज अ सिंगल पेरेंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे, तो मेरे को थोड़ा मेच्योर बनना था। सेकेंड होकर भी बड़ी थी वहाँ पर, एग्जैक्टली, वहाँ छोटी होकर बड़ी थी, यहाँ पे मुझे लगता है लोग
वो तो जैसे फेयरवेल में साड़ी नहीं पहना देते थे बच्चों को, उन्हें लगता है कि मुझे ऐसे साड़ी पहना देते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई हैव अ बेबी फेस. बट इवन दिस कैरेक्टर एक्चुअली इसमें दोनों हैं, वो सिचुएशन वाइज मैच्योरिटी है, लेकिन देखा जाए तो वो गिरती पड़ती रहती है, तोड़ती फोड़ती रहती है चीज़ें. तो काफ़ी मज़े आए ये कैरेक्टर करने में, और भी मैंने कैरेक्टर्स बहुत प्ले करे इसमें. एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी वो है जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि अब ऑब्वियसली 3 साल से मैं बैक टू बैक काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी एंड अब जो भी कॉन्सेप्ट चूज़ करूँगी हैज़ टू बी समथिंग गुड. मतलब आई फील लाइक एक नॉच हायर लेके जाऊँ अब चीज़ें, क्योंकि आप लोग भी इतना बिलीव करते हो मुझ में, तो आई फील लाइक आई नीड टू पुश माई सेल्फ मोर. इसलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी लूँगी आई एम श्योर मैं सोच समझ के ही लूँगी. अदर देन दैट कृषा इन होल इतना प्यार मिला है आप लोगों से, हमें, देविशा को, हमारे कपल को इतना प्यार मिला है, तो वो सब ऑल बहुत मिस करूँगी. जैसे आप लोग बोलते रहते हैं आई विल मिस सीइंग यू ऑन टीवी, तो वो चीज़ मिस करूँगी, अदरवाइज तो आई विल बी बैक सून यार. अच्छा कृषा की लुक से अगर एक चीज़ रखनी हो तो क्या रखना चाहेगी? मैं ना रियल लाइफ में इतनी साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ. इनफैक्ट मैंने ये शो में ही पहली बार साड़ी पहनना ट्राई किया, तो पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन कैसे पहना रहा है, वो ठीक से पहनी भी है या नहीं है. एंड मुझे जेन्युइनली ऐसी फीलिंग आती थी कि वो फेयरवेल वाली मुझे पहना दी है साड़ी. बट एक चीज़ जो शायद मैं लेके जाऊँगी, क्या लेके जाऊँगी, साड़ियाँ लेके जाऊँगी. हाँ एक रख लूँगी, मुझे ऐसा लगता है तो कभी मन किया अगर बाहर तो. बट आई फील लाइक मैं रियल लाइफ में भी अब साड़ियाँ पहनना ट्राई करूँगी. आई थिंक इट्स नाइस, ट्रेडिशनल अच्छा लगता है, इट्स डिफरेंट थोड़ा. कृषा का किरदार अंजलि के लिए बहुत स्पेशल है और उसके बारे में बात करते हुए अंजलि थोड़ी इमोशनल भी हो गई. लेकिन ये कलाकार की जिंदगी है, एक किरदार के बाद दूसरा किरदार इन्हें निभाना पड़ता है. एक्चुअली बहुत 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 ब्यूटीफुल जर्नी रही है. मतलब डे वन से बहुत हेक्टिक भी रहा है. मतलब मुझे लगता है मेरे पहले 2 शोज़ में, जबकि आई वॉज अ न्यू कमर, मुझे ऐसा ओवरवर्क्ड फील करना चाहिए था, इस शो में वो मैंने फील किया है. क्योंकि इतनी मेहनत थी इस कैरेक्टर में ऑनेस्टली. मतलब एवरी डे कुछ नया ड्रामा था. पहले 2 शोज़ बड़े नेचुरल से यू नो रहे, तो इट फेल्ट लाइक कि डे टू डे वाला बहुत ईजिली निकल जाता था. बट इस पर्टिकुलर शो में इतना ड्रामा था, इतने वेरिएशन, इतने लेयर्स थे. लाइक मैच्योरिटी जब दिखानी है, हार्ट ब्रोकन, रोमांस, थ्रिलर, मतलब हर एक चीज़ करने के लिए मिली है. स्पेशली जो डबल रोल जो है वो यहीं पर भी, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस मैंने हाँ बोला था इस शो के लिए, क्योंकि एक ही शो में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना इज़ लाइक हर एक एक्टर को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो करने मिला. बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ. आई मेट सच ब्यूटिफुल पीपल इस सेट पे, मतलब को एक्टर्स सब लोग इतने ब्यूटिफुल हैं. इसके साथ कोई यादें? अरे उसके साथ तो मतलब डांस करना, हम दोनों को डांस करना इतना पसंद है, तो हम लोग उठ के रील बनाने लग जाते थे. और हम दोनों को एक्चुअली 90s-70s के गाने बहुत पसंद है, तो हम उठ के सुबह सुबह ओले 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 मतलब जस्ट नेम अ सॉन्ग और हम लोग डांस करना चालू कर देते. हमने इतने रील्स बनाए. सो आई मिस डांसिंग, आई मिस द केमिस्ट्री दैट वी हैड, जो आप लोगों को इतनी पसंद आई थी. एंड आई थिंक आई बी इन टच विद ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स. इतना अच्छा बॉन्ड हम लोगों का बन गया है. बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है अंजलि संग सेट की सैर करने की. और अंजलि आज हमें उस जगह ले जा रही हैं जहां पर वो ढेर सारी रील्स बनाती हैं. और इतना ही नहीं, आज तो अंजलि ने सास बहू और बेटिया संग भी रील बनाई उनके फेवरेट गानों पर. तो मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे ब्यूटीफुल एरिया हमारे सेट के, ये जय माँ का रूम. ये भी मिस करूँगी. हम इस रूम में हम सारे एक्टर्स साथ में लंच करते हैं, सारे के सारे एक्टर्स. सबसे ब्यूटीफुल टाइम हमारा लंच टाइम होता है, क्योंकि इतनी गॉसिप होती है हम लोगों के पास. और ब्यूटीफुल कॉर्नर जो है हमारे सेट का सबसे ज़्यादा एक्चुअली एरिया, जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा रील्स बनाई हैं, जो आप लोगों को हर रील में दिखता ही होगा एक्चुअली बैकग्राउंड. I'll show that area today. ये है मीनाक्षी मैम का रूम, जहाँ पे हमने इतना चिल किया नहीं है, जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा रील्स बनाई है, वो आपको मेरे हर रील में बैकग्राउंड देखेगा पीछे.
सबसे बेस्ट पार्ट हमारे सेट की पता है क्या है कि इतना खुला खुला है, इतनी ग्रीनरी है, तो ऐसा फ्रेश लगता है। और मैंने ना ज़िंदगी में जितने आम नहीं खाए ना इस सेट पे खा लिए, क्योंकि सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पे, तोड़ तोड़ के खाए इस बार हमने। मतलब यहाँ पे ना रेस लगती थी, आम जैसे ही नीचे गिरा सब भागते थे आम पकड़ने के लिए, तो काफ़ी मेमोरीज हैं। एक्चुअली मुझे लगता है अभी मुझे हिट नहीं कर रही है, बट जब हम उस डेट के पास पहुँचते रहेंगे शायद मुझे हिट करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे सीन्स किए हमने, आई रिमेम्बर। अरे हाँ, एक्चुअली एक ट्रेजेडी भी याद है मुझे यहाँ पे। होलिका का हम सीन कर रहे थे यहाँ पे और मुझे ऐसे आग में जाना था, मेरा एक हाथ पूरा बर्न हो गया था। सो दैट एग्जैक्टली यहाँ पे मैं रोई थी क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। बट आई थिंक वही मैं बोल रही हूँ, एज एन एक्टर मैंने अपने आप को बहुत पुश किया है इस शो में, तो ये सारी चीज़ें याद रही। टचवुड, गॉड्स बीन वेरी काइंड दैट मुझे कभी वेट नहीं करना पड़ा मेरे एक शो खत्म होने के बाद। आई हैव ऑलवेज हैड यू नो ऑप्शंस, लेकिन इस बार जैसे मैंने बोला मैं अपने लिमिट्स पुश करना चाहती हूँ, तो मैं शायद डेफिनेटली वेब के लिए ट्राई करूँगी। आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी, आई एम थिंकिंग, लेट्स सी, अच्छे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए हाथ में, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर वेब। और क्या मिस करूँगी, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिस करूँगी। और बताओ कहाँ लेके जा रहे हो कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आई रियली रियली या मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ, दो तीन प्लेसेस शॉर्टलिस्ट करी हैं, लेट्स सी, क्योंकि पिछले 3 सालों से जब भी मैंने प्लान किया है, सैडली कभी कोविड, कभी यू नो पेंडेमिक, कभी कुछ ना कुछ तो आया ही है अभी। लेकिन इस बार तो कुछ भी हो जाए ब्रेक लेके ही रहूँगी मैं। इससे पहले आई टेक अनदर प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। पैकअप हो जाता था, मैं पता क्या करती थी, स्टॉर्म फैन वाले दादा को जाके, बारिश वाले दादा, बस 5 मिनट दे दो, एक रील बनानी है, टिप टिप बरसा पानी, बारिश चाहिए। तो सोचो पैकअप के बाद सबसे पहला क्या होता है, सबको भागना होता है। लेकिन यहाँ मैं सबको वेट करवा के रखती थी, पता नहीं कितनी गालियाँ दूंगी मन में मुझे, लेकिन मैं एक रील तो ज़रूरी है, तो बहुत सारी रील बनाई है। एक्चुअली मुझे लगता है बारिश का सीज़न ना सबसे ब्यूटीफुल सीज़न होता है। मतलब आई नो थोड़ा सा ऐसा डिफ़िकल्टी लगती है जब तुम्हें ड्राइव पे जाने के बजाय शूट पे आना पड़ता है, बड़ा सैड लगता है, लेकिन मतलब बारिश में डांस करना, मुझे तो नहीं लगता मैंने एक भी बारिश मिस की होगी जहाँ पे मैंने डांस मानसून में नहीं किया हो। मुझे ड्राइव बहुत पसंद है मानसून में, नाचना बहुत पसंद है ऐसे भीगते भीगते। कल तो इनफैक्ट मैं अपने जानबूझ के अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ गई स्कूटी पे भीगते भीगते, इतने मज़े आए। तो मतलब वैसे तो बहुत सारे गाने याद आते हैं बारिश का नाम सुनते ही, अनुव जैन का बारिश है वो मेरा एक फेवरेट है, लेकिन डांस करने के लिए टिप, मतलब साड़ी पहनी हो स्पेशली और टिप टिप बरसा याद ना आए, मतलब वो तो इम्पॉसिबल ही है। टिप टिप बरसा पानी, आग लगी दिल में जो मुझको तेरी याद आई। तो भाई फिलहाल तो अंजलि कृषा बन कुछ समय तक और अपने दर्शकों को एंटरटेन करेगी, और उम्मीद है कि अंजलि नए किरदार में नए सीरियल के साथ जल्द ही लौट कर आए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।